दोस्तों स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे Realme GT Master Edition। जी हां, ये चाइना वाला यूनिट है, इंडिया का 18 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। मेरा भी तो चाइना से आ रहा है, ये मेरे को दिया गया है सलीम बाबा टेक्निकल ने। तो अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका भी आप कर सकते हैं। तो फोन बहुत ही बढ़िया स्नैपड्रैगन 778G के साथ लॉन्च हो रहा है। इंडिया में पहला फोन बन जाएगा इस प्रोसेसर के साथ। चाइना में तो Honor 50 और 50 Pro की मैंने अनबॉक्सिंग आपको दिखा ही दी है, तो उसके बाद इस फोन में आ रहा है। क्या खास है इस फोन में, आज की वीडियो में अनबॉक्स प्लस फर्स्ट इंप्रेशन करेंगे। देखते हैं इस फोन में क्या खासियत है, उसके बाद फ्यूचर में हम इसका कंपैरिजन करेंगे नॉट टू गोवर 3GT के साथ भी। तो शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब करना। तो ये रहा हमारा बॉक्स Realme GT Master Edition। इंडिया में 18 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, कंफर्म न्यूज़ है, ऑफिशियली भी कह ही दिया है Realme वालों ने। हमने चाइना से मंगवाया है, मेरा वेरिएंट 8GB 256, इसमें बेस वेरिएंट 8GB 128, 2200 युआन का है जो 25,000 का बनता है। तो आप लगा के चलो इंडिया में 27,000 से 28,000 में लॉन्च हो सकता है। तो स्नैपड्रैगन 778G 28,000 में कैसा है, ये आज की में फर्स्ट इंप्रेशन ले लेते हैं, बाकी हम कंपैरिजन आगे करेंगे। फ़ोन को खोल लिया है, देखते हैं अंदर का कंटेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स और वारंटी कार्ड मिलेगा जो चाइनीज़ में होंगे, मतलब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। दो हैं Realme RMX 3161, जो आजकल ये कोड्स लीकस्टर्स देते हैं, इनमें से पता चलता है ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है। तो चाइनीज़ में है, हमारे किसी काम का नहीं, तो हम इसे रख देते हैं साइड पे। तो ये रहा फ़ोन, जो सूट के इस कलर ग्रे कलर है वो वाला कलर का ये फ़ोन है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन लगा मुझे, इसका कवर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छी फील फिनिश है और आपको लेदर फील टच देता है। वैसे ये PU कवर है, सिलिकॉन कवर आप कह सकते हो, PU टच है, मगर जो फिनिशिंग दी है बाहर बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग मिलती है और Realme का लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चार्जर की बात की जाए तो इसमें आपको 65 वॉट का चार्जर मिलता है। बैटरी है 4300 mAh की, कंपनी क्लेम करती है 33 मिनट में 100% चार्ज हो जाएगा। तो आजकल Realme 65 वॉट का मोस्टली हर फोन में दे ही रहा है चार्जर, और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगी, और लास्ट में आपको मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। तो ये है बॉक्स का कंटेंट, हम देखते हैं फोन को। तो काफ़ी बढ़िया फील फिनिश के साथ ये फ़ोन आता है, वेगन लेदर, लेदर बैक का के साथ आएगा। Realme का लोगो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे, रियली काफ़ी पसंद आया ये डिज़ाइन। इसमें आपको व्हाइट कलर भी मिलेगा ग्लास बैक के साथ, मुझे ये लेदर बैक काफ़ी बढ़िया लगा। और सूट के स्टाइल में इन्होंने बम्प्स दिए हैं जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक स्टाइल दिख रहा है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट है, और बात की जाए साइड में तो यहाँ पर आपको पावर ऑन बटन मिलता है, टॉप पे नॉइस कैंसिलेशन, लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे और पावर ऑन बटन, और बॉटम में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, माइक टाइप सी, चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर मिलते हैं। सिम ट्रे में अगर दिखाऊं तो इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो 128GB या 256GB की ही ऑप्शन मिलती है आपको। और फ़ोन की अगर वेट की बात की जाए तो काफ़ी लाइट वेटेड फ़ोन है, तो वेट आया है 181 ग्राम्स। अगर आप ग्लास बैक लोगे तो शायद 180 से भी नीचे मिल सकता है। अगर हम इसका कवर लगाते हैं तो थोड़ा फ्लफ़ी सा आपको फ़ोन लगेगा, मोटा मोटा सा फ़ोन फील होगा, पर कवर की क्वालिटी मुझे रियली काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मेरे हिसाब से सेफ्टी भी देगा फ़ोन को, अगर विदाउट कवर भी यूज़ करोगे तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो फ़ोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.43 इंच का सुपर एमोलेड पैनल के साथ ये फ़ोन आता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, और सिंगल पंच होल के साथ आता है। 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी लैंग्वेजेस की ऑप्शन आ जाती है, इवन ये चाइनीज़ वर्जन है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है Realme का। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है साइड माउंटेड से, मेरे को मेरी पर्सनल चॉइस इन डिस्प्ले है। तो आपको सिंगल पंच होल थोड़ा सा बड़ा लगा, और चेन मुझे थोड़ा बड़ा लगा, इसमें चेन थोड़ा कम करना चाहिए, आजकल काफ़ी स्लीक से चेन्स और ब्रिजल्स आ रहे हैं, ब्रिजल्स ठीक हैं, बहुत छोटे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, हैंडी फोन है 6.43 इंच का, और डिस्प्ले मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, बस चेन में थोड़ी कमी है। ब्लॉटवेयर्स बहुत हैं इसमें चाइनीज ऐप्स के, आप जैसे देख सकते हैं हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मगर होपफुली इंडिया में ब्लॉटवेयर्स ना हो तो बढ़िया है, बाकी कंपनी ने पैसा तो कमाना है कहीं ना कहीं से, तो ये जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो हमें थोड़े से इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं और हम देखें अबाउट फ़ोन के बारे में। तो इसमें आपको पहले मैं सबसे पहले दिखाता हूँ डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट, तो इस फोन में आपको मिलता है 60Hz एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा सुपर एमोलेड के साथ। प्लस फोन के बारे में बात की जाए तो एंड्रॉयड वर्जन 11, तो लेटेस्ट एंड्रॉयड का वर्जन मिल रहा है जो काफ़ी बढ़िया है। साथ में स्नैपड्रैगन 778G 256GB स्टोरेज में आपको 234GB मिलती है, तो मतलब आपकी ऑलमोस्ट 22 MB इन्होंने यूज़ कर ली है। अब एक बार इसका देखते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो काफ़ी ज़्यादा मुझे तेज़ लगा। फेस अनलॉक भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी क्विक है।
अब बात करते हैं इनके बेंचमार्क की। स्नैपड्रैगन 778G है, तो हम ट्राई करेंगे N22 से और देखेंगे क्या स्कोर आता है। और ये 6nm चिपसेट है स्नैपड्रैगन का, लेटेस्ट मिड रेंज प्रोसेसर है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैंने Honor 50 और Honor 50 Pro में यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और जो उसका CPU है और GPU काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्नैपड्रैगन 855 को टक्कर देता है। स्कोर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आया है 5,41,000, जो काफ़ी बढ़िया है। Geekbench 5 भी ट्राई करते हैं, इसमें Adreno 642L सपोर्ट करता है, सिंगल कोर 788, मल्टी कोर 2800 के पास, जो एक इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा महंगा है, अगर थोड़ा सस्ता होता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता। वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, मैंने 4K वीडियो प्ले की है। सुपर एमोलेड पैनल मिलता है आपको, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, प्लस इसमें आपको 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। पोको F3 GT में काफ़ी लोगों को पीक ब्राइटनेस प्रॉब्लम थी, इसमें कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे, काफ़ी अच्छे। थोड़ी चेन बड़ी लगी मुझे, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद हम अगर काइन मास्टर में वीडियो रेंडर करते हैं तो एक बार देख लेते हैं कौन सा रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। तो जस्ट अ रिमाइंडर, तो इसमें आपको 4K की ऑप्शन मिल जाएगी 30 FPS के साथ, नॉट बैड। पबजी देखते हैं, पबजी हम किस ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, छोटा सा पबजी का मैच भी लगा लेंगे। तो ग्राफिक्स की बात की जाए तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मिलता है, मतलब 60 FPS आपको मिल जाएगा। 90 का भी मैं कुछ कह नहीं सकता, वैसे तो अभी रियलमी XT मैक्स में भी नहीं आया, रियलमी X7 मैक्स में भी नहीं आया, तो शायद इसमें भी शायद आ जाए। तो ये हमारा मैच शुरू हो गया है। काफ़ी हैंडी फ़ोन है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन था, मैं वैसे ट्रिगर के साथ खेलना पसंद करता हूँ। ओ बचा मैं यहाँ पर थोड़ा दूर था, तो UGI शायद इतने काम की ना रहे, बाकी यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी देर मैचेस खेले थे इस फ़ोन में, मतलब मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली थी, मैंने ये पबजी खेली थी, तो मुझे इसमें हीटिंग इशू नहीं मिला, जो मुझे सबसे बढ़िया लगा इस फ़ोन का। और साथ में इसमें आपको VC कूलिंग भी मिलती है इस फ़ोन में, 13,210 mm², जो काफ़ी बढ़िया है फ़ोन के लिए हीटिंग ऑब्जर्व करेगा। वैसे भी स्नैपड्रैगन के फ़ोन रेयर ऑफ रेयर ही हीट करते हैं, स्नैपड्रैगन 888 हीट कर देता है, मगर मेरे हिसाब से मिड रेंज वाले अच्छे प्रोसेसर निकालता है। मीडियाटेक में ये थोड़ा इश्यू है हीटिंग का, जो लोगों को काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, उसके भी ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। काफ़ी बार लोग मुझे कहते हैं कि आपने कॉल ऑफ ड्यूटी के ग्राफिक्स नहीं दिखाए, तो आज की वीडियो में आप वो भी देख लोगे। तो सेटिंग में चलते हैं सीधा ग्राफिक्स पे, तो यहाँ पर आपको मिलता है हाई पे मैक्स और वेरी हाई पे वेरी हाई। तो वेरी हाई पे मैक्स का सपोर्ट नहीं मिलता, मिड रेंज प्रोसेसर है, टॉप ग्राफिक्स नहीं देगा। तो एक छोटा सा इसमें भी मैच लगा लेते हैं, लैग नहीं मिला, बहुत स्मूथ मक्खन की तरह गेम चली थी, हीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, तो मेरा रैंक ज़्यादा नहीं है, तो शायद ज़्यादा AI थे, मगर भाई हमने किल्स बहुत ले ली, क्योंकि AI को मारना बहुत ईजी हो जाता है। बाकी अगर आप चाहते हो गेम प्ले लाना, तो मैं आपको जल्दी से एक अच्छा सा FPS मीटर का गेम प्ले दिखा दूंगा। कैमरे की बात की जाए तो इस फोन में मिलता है 64 MP मेन कैमरा F1.8 एपर्चर के साथ, OIS सपोर्ट नहीं करता, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो लेंस। तो मुझे कैमरा सेटअप ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा नहीं, जो एक्सप्लोरर एडिशन है उसका कैमरा सेटअप बहुत अच्छा है। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो एक बार अंदर से इसकी सेटिंग्स भी देख लेते हैं कैमरे की। तो इस फोन में आपको 20x का डिजिटल जूम मिलता है, मोस्टली आजकल 10x का डिजिटल जूम देते हैं, 20x का दे रहा है, काफ़ी देर बाद मैंने देखा है थोड़ा ज़्यादा डिजिटल जूम। और अगर रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो 1080p में आपको 30 FPS एंड 60 FPS की ऑप्शन मिल जाएगी रियर कैमरे से, और फ्रंट कैमरे की और 4K में देखा जाए तो सिर्फ 30 FPS मिलता है। OIS सपोर्ट देना चाहिए था, मतलब 25,000 से 28,000 का फ़ोन है तो मेरे हिसाब से बनता तो था। फ्रंट में आपको 1080p और 720p पे ही ऑप्शन मिलती है रिकॉर्डिंग की। ब्यूटी मोड मिलेगा आपको, बाकी हम कैमरा कंपैरिजन में देख लेंगे और इंडियन यूनिट्स का कंपेयर पूरा करेंगे। बात की जाए ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो मुझे 25,000 के हिसाब से ठीक लगा फ़ोन, इंडिया में 27,000-28,000 का आएगा। लुक्स काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम लुक के साथ आता है। कैमरा मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत खास नहीं मैं कह सकता। बाकी मैं कंपैरिजन करूँगा नॉट 2 के साथ और पोको F3 GT के साथ, तो देखेंगे कैमरा कितना बढ़िया है। स्टीरियो स्पीकर नहीं दिए, वो भी मुझे थोड़ी कमी लगी इस फ़ोन में, मगर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 778G, जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी बढ़िया लगा लॉन्ग टाइम के लिए। बाकी देखते हैं इंडिया में किस प्राइस में ये लॉन्च होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फर्स्ट इंप्रेशन मैंने दे दिया है। और आपको एक फ़ोन कैसा लगा, किस प्राइस में ये इंडिया में आना चाहिए, क्या लगता है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।